इस दुनिया में कई सारे ऐसे खतरनाक सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी ने खोजा नहीं है, और ऐसा ही एक सवाल नंबर 13 के साथ जुड़ा हुआ है। लोग 13 नंबर का नाम सुनते ही टेंशन में आ जाते हैं, और ऐसा हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका खौफ फैला हुआ है। क्या है रूम नंबर 13 और क्यों लोग इसे इतना ज़्यादा डरते हैं? इसके पीछे की साइंस क्या है जो लोग में इतनी खौफ फैली हुई है? आज हम आपको इस वीडियो में रूम नंबर 13 का पूरा रहस्य बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बारह माह बीत जाते हैं और गिनती फिर एक से ही शुरू हो जाती है। यहाँ 12 के बाद 13 नहीं आता है, लेकिन 13 का आंकड़ा ही कुछ ऐसा है। जब जब सामने आता है, दुनिया रहस्य चीज़ों से घिर जाती है, सुबह सुबह का भय घेरने लग जाता है। 12 से 13 तक समय संख्या यानी नंबर का खेल है। दरअसल पश्चिमी देश में 13 नंबर का अशुभ माना जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग में 13 नंबर को लेकर काफ़ी भय बना हुआ है। इसलिए पश्चिमी देशों में होटल में ना 13 नंबर का कोई कमरा होता है और ना ही 13 नंबर की कोई मंजिल। 12वीं के बाद सीधे 14वीं फ्लोर होती है। मनोविज्ञान के मुताबिक 13 नंबर के डर को ट्रिस्काइडे का फोबिया या 13 डिजिट फोबिया के नाम से जाना जाता है। इससे 13 अंक के डर की वजह से ही लोगों के अंदर आत्मविश्वास कम हो जाता है। विदेशों में इसी नंबर का खौफ फैला हुआ है और लोग इसी के वजह से 13 तारीख को भी दुर्घटनाग्रस्त मानने लगे। कुछ रिपोर्टर के अनुसार एक दफ़ा यीशु मसीह को किसी व्यक्ति ने धोखा दिया था। यह वही व्यक्ति था जिसने उनके साथ बैठकर खाना खाया था और विश्वासघात किया था, और वह शख्स 13 नंबर की कुर्सी पर ही बैठा हुआ था। इस घटना के बाद से ही यूरोप, अमेरिका सहित कई देशों में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है, क्योंकि अब अधिकतर होटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और फॉरेन टूरिस्ट को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। इसलिए होटल में 13 नंबर का कोई कमरा बनाया ही नहीं जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 13 नंबर का यह डर सिर्फ पश्चिमी देश में नहीं है, बल्कि भारत के लोगों पर भी अच्छा खासा डर बना हुआ है। यहाँ बहुत से लोग इस अंक को अशुभ मानते हैं। आपको यह बात शायद ही मालूम हो कि सपनों के शहर कहे जाने वाले चंडीगढ़ देश का सबसे सुनियोजित शहर माना जाता है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपनों का शहर हुआ करता था। आप कैलेंडर को भी देखोगे तो कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और दिन में 12-12 घंटे के समय में बांटा हुआ होता है। बहुत से लोग का कहना है कि 13 नंबर को अशुभ होने के लेकर सिर्फ अंधविश्वास है, क्योंकि इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ।